नमो राघव। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हृदय विचारत जात हरि, कहीं विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोय। यह तो मैंने कई बार बता दिया है कि मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान की भावार्थ बोधनी से जो हिंदी टीका है चित्रकूट पीठाधीश्वर हैं उन्हीं की वे भावार्थ बोधनी से यह पाठ कर रही हूँ। तो आप कुछ ऐसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखा करें। तो जब शंकर भगवान आए, और अपन जब कथा सुन करके कहीं से आते हैं तो अपने मन में वही कथा घूमती है जो अपन मन से सुनते हैं। अगर मन से नहीं सुनते हो तो वो बात अलग है। तो बड़े मन से सुन के लौटे थे, इसलिए उनके दिमाग में वही कथा घूम रही थी। लेकिन कथा घूमते हुए वे सोच रहे थे शंकर भगवान की किस तरह से दर्शन हमें मिले भगवान का। तो भगवान प्रकट हो गए। हम जब भगवान को मन से पुकारते तो भगवान हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान हर जगह व्याप्त हैं, इसलिए भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान प्रकट हो गए। शंकर उरति छोभ सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु प्रभु विधि बचन कीन चै साचा। जो नहीं जाऊं रहूं पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। ये विधि भये सोच बस ईसा, तेई समय जाए दस सीसा। लीन मिनी चमारी चै संगा, बहुत रत सो कपट कुरंगा। कर चल मूड़ हरि बेदेई, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेई। और भगवान प्रकट तो हो गए, लेकिन उस समय किस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भगवान की वह लीला चल रही थी क्या, सीता जी कारण हो गया था, वैदेही को हल लिया था। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नैन जल छाए। और जब आश्रम में आए, भिरय विकल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दुबाई। कबहुँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट भिरय दुख ताके। कपट मृग मारीच का वध करके पृथ्वी का भार हरण करने वाले हरि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ आश्रम में आए। और जब वहाँ सीता जी नहीं दिखी तो उनके नेत्रों में जल भर गए। कुल के राजा अथवा सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजने वाले श्री प्रभु श्री राम मनुष्य की भांति सीता जी के विरह में व्याकुल जैसे लगने लगे। जैसे किसी के घर से स्त्री चली जाए, किसी की पत्नी चली जाए, तो वह उस विरह में व्याकुल होता है। भगवान उसी तरह सांसारिक लीला करने लगे, वन में फिर रहे थे। जिनके जीवन में संयोग वियोग कभी संभव नहीं है, उन्हीं का विरह देख आज प्रत्यक्ष रूप में देखा जा रहा था। भगवान को क्या विरह क्या वो, लेकिन फिर भी वो लीला के वशीभूत भगवान ऐसा सब कुछ कर रहे थे। अति विचित्र रघुपति चरित, जान परम सुजान। जे मति मंद विमोह वस, हृदय धरे कछुआन। जो मंद बुद्धि होते हैं वे लोग इस भ्रम में पड़े जाते हैं। सम्भ समय ते राम देखा, उपजा ही अति हर्ष विषेका। बर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जान न कीन चिनारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। अब शंकर भगवान सती जी के साथ जा रहे थे, तो भगवान ने लीला भगवान कर रहे थे। भगवान तो दर्शन देने के लिए आई थे, क्योंकि शंकर भगवान बार बार उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी,
उरोपजा संदेह अभिषेकी शंकर जगत बंद जगदीसा सुनर मुनि सब नावत सीसा तिन नप सुतय कीन परनामा कै सच्चिदानंद पर दामा। अब सती तो बस विस्मित हो गई। सती ने सोचा जो सच्चिदानंद है तीनों लोकों के धाम है मेरे पति शंकर जी, उन्होंने जो साधारण मनुष्य की तरह रोने वाले इन मनुष्य को प्रणाम करके इतने चिंतित हो रहे हैं, और वे चिंता इसलिए कर रहे थे कि देखो प्रभु जब तुम यही गुणगान कर रहे थे कि प्रभु तुम लीला करते हो तो कैसी कैसी लीला करते हो, या कैसे विरह में रो रहे हो सीता जी के, जबकि सीता राम कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं, यह असंभव है, सीता राम कभी अलग नहीं होते हैं, लेकिन लीला में भगवान सब कुछ करते, तो यही वो सोचने लगे। तो शंकर भगवान तो इसका ध्यान कर रहे, और पार्वती जी यह ध्यान कर रही कि देखो मेरे पति तीन लोक के नाथ होकर के भी इन्हें प्रणाम करके इतनी चिंता कर रहे हैं। बस सती इस बार भ्रम में पड़ गई। तेना न पसुतय कीन पर नामा भये मगन छविता सुबिलोकी अजो प्रीत और रहते न रोके। और कितने खुश हुए उन्हें देख करके, ब्रह्म जो व्यापक बिरज जय अकल अनिया वेद शोक दे दर हो नर जाहि न जानत वेद। जिसका वेद भी पार नहीं पा सकते, जो परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा है, क्या वह मनुष्य रूप में इस तरह से लीला करता है। सती इस मोह में पड़ गए, क्यों कि उन्होंने कथा ध्यान से नहीं सुनी थी। जो अपने कथा में जब भी जाओ, चाहे दो मिनट के लिए जाओ, दो घंटे के लिए जाओ, लेकिन कथा बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए। जब अपन कथा ध्यान से सुनते हैं तब कथा अपने मन में उतरती है, जब तक कथा ध्यान से नहीं सुनते हैं तब तक कथा हमारे जीवन में नहीं उतरती है। इसलिए कथा जीवन में उतरने के लिए कथा को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। विष्णु जो सराहित नर तनुधारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजत सो किया बनारी ज्ञान दाम श्री पते असुरारी शंभुगिरा सुन मृसान होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई अस संशय मन भय पारा कोई न हृदय प्रबोध प्रचारा। देवताओं के लिए जो भी जीव विष्णु जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं वे शिव के समान सर्वज्ञ हैं, परंतु क्या वे ज्ञान के भवन असुरों के शत्रु लक्ष्मीपति विष्णु जी आज मनुष्यों की भांति स्त्री को ढूंढ रहे हैं, अर्थात क्या सर्वज्ञ में अपनी पत्नी का पता नहीं चला पा रहे हैं। ये मोह में पड़ी हुई वे इतनी सुनते ही शंभु गिरा पुनि मृसान होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। लेकिन शंकर भगवान तो शंकर भगवान वो सब कुछ जान गए कि पार्वती पड़ गई मोह माया में। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी अर अंतरयामी सब जानी। अनेक प्रश्न भगवान के बारे में सती जी सोचने लगीं। जब सती जी अनेक बार अनेक प्रश्न सोचने लगीं बस, लेकिन उनके मन की बात तो शंकर भगवान सबको जान गए कि ये इनके भगवान पे शक हो रहा है, ये भगवान को भगवान नहीं मान रही हैं। ये शंकर भगवान सोचने लगे यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, जबकि प्रकट नहीं किया है पार्वती जी ने शंकर भगवान से, कहा नहीं है कि हमें शक हो गया, लेकिन शंकर भगवान समझ गए क्योंकि अंतर्यामी है ना, और जानते हैं कि सुनऊ सती तब नारी सुवाऊ संशय असन धरी मन काऊ। और उन्होंने कहा कि सती जी यद्यपि तुम स्त्री रूप हो लेकिन फिर भी तो अपने स्वभाव के कारण तुम्हारा संशय करनी आदत है, लेकिन संशय मत करो। ये कौन कहने लगा, ये शंकर भगवान कहने लगे। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगत जासु में मुनि सुनाई सुई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिसे मुनि सदा ध्यान करते हैं मैं उसी इष्ट का ध्यान करता हूँ, ये वही राम थे। ये कौन कह रहा है, ये शंकर भगवान सती जी को समझा रहे थे। मन धीर जोगी सिद्ध संतत विबल मन जय ध्यावई कहने तिन गम पुराण आगम जासु की रति गावई
सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकापति माया गनी अवतर अपने भगत निज तंत्र निज रघुकुल मणि। कहिए अपने भक्तों के कारण भगवान इस धरती पर अवतरित हुए हैं। लागन और उपदेश जदप कहो से बवार बहु बोले भी हसी महेश हरि माया बल जानी जिए। बहुत बार समझाया पार्वती को कि ये परम ब्रह्म परमात्मा ही भक्तों के लिए आए हैं, ये सब लीला कर रहे हैं, लेकिन उनके मन का संशय नहीं मिटा सके, इसलिए वे समझ गए कि अब तो हरि इच्छा है। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परे चले हो, या तुम्हारे मन का संदेह नहीं मिटता है तो तुम जा कर के परीक्षा क्यों नहीं लेती हो। तब लगे बैठी अहिए बट छाई जब लगे तुम एहम पाई ऐसे जाए मोह ब्रह्म बारी कर उस जतन विवेक बिचारी। जिस तरह भी तुम्हारा भ्रम मिटे तुम वही करो, मैं इस बट वृक्ष की छाया में बैठ करके तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, ये शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया। चली सती शिव आयुष पाई करें विचार करो का भाई। अब तो सती जी शंकर भगवान की आज्ञा पा करके आगे को चल दी और सोचने लगी मैं क्या करूं, मैं कैसे भगवान की परीक्षा लूं। यहाँ संभोस मन अनुमाना दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा मोरू कहें संशय जाई वेद विपरीत भलाई नाई। हो ये सोई जो राम रचिरा का को कहे रे तरक बड़ा भैंसा का। अस कहे लगे जपन हरि नामा गई सती जय प्रभु सुख धामा। अब तो भगवान राम का नाम जप करने लगे और सती जी कहाँ चली गई, सती जी चली गई परीक्षा लेने के लिए भगवान राम की, क्योंकि संशय तो मिटा नहीं। शंकर जी ने बहुत समझाया कि यही परमात्मा है, यही सच्चिदानंद है, जो कुछ है यही है सब, लेकिन उनके मन में विश्वास नहीं हुआ इसलिए वो परीक्षा लेने के लिए चली गई। पुने पुने हृदय विचार करी धर सीता कर रूप आगे हुए चले पंत तही जयावत सुरभूप। उनने सीता जी का रूप बना लिया और पंथ में आगे चलने लगी। अब तो सती जी आगे चलने लगी, किससे, वह सीता का रूप धर करके भगवान राम से आगे आगे चलने लगी। अब दूसरे ब्लॉक में आप सुनना आगे का प्रसंग कि जब सती आगे चली सीता जी का रूप बना करके तो भगवान राम ने उन्हें कैसे पहचान लिया और पहचान करके क्या कहा, ये सब प्रसंग आगे के ब्लॉक में आपको सुनने का मिलेगा। जैसा भी आपको रामचरितमानस लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम।